सबसे पहले सारे दर्शकों को ढेर सारा प्यार और नमस्कार। मैं अमरीश सिंह और आज मैं बहुत खुश हूँ। नवरात्रि का पहला दिन और मेरी फिल्म का मुहूर्त है जो कि गुप्ता प्रोडक्शन एंड स्टूडियो इस फिल्म को बना रही है, एज ए प्रोड्यूस कर रही है और ओमदीप सिनी विजन इसको प्रेजेंट कर रही है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और सबसे बड़ा खुश हूँ कि मैं एक बार वापस रिपीट हो रहा हूँ अपने डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी के साथ। तो मेरे लिए खुशियों का अपार भंडार है और उस खुशियों में चार चांद लगा है जो कि मैं अक्षरा जी के अपोजिट में हूँ। तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं इस नवरात्रि में, माता रानी का आशीर्वाद कि हम जल्द ही जल्द इस फिल्म को शूट कम्प्लीट करके और रिलीज पर्दे सिनेमा घर में लाएंगे और लोगों को बेहतरीन फिल्म और सिनेमा ही मिलेगी। जी जी तो या अच्छा बहुत सारे हैं सबको कोई कोने में कैमरा लेके खड़े हो तो क्या कर रहे हैं रोल रोल तो बहुत ही खुशनुमा नज़ारा है और ये पावन समय और वक्त में बहुत ही अच्छा कर दो। जी अक्षरा जी आइए आइए, जनता पहले खत्म करते हैं, आइए। अक्षरा जी जनता बताए नहीं फिल्म के बारे में, जरा हम इसी बारे में बात कर रहे थे। जी फिल्म का नाम तो अभी रिवील करना उचित नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच वो नाम होगा। बट ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, एक अच्छी फिल्म, महिला प्रधान कह सकते हैं एंड बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। फिल्म के डायरेक्टर हैं बेलू जी, जिनके साथ मैंने पहली भी एक फिल्म की है बलमा बिहार वाला जो कि खेसारी जी के साथ थी। सो ये दूसरी फिल्म है एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये फिल्म भी बहुत अच्छी करें हम लोग साथ में और खूब धमाल मचाए। कब तक शुरू होगी अमरीश जी फिल्म? एक्चुअली अक्षरा जी काफ़ी बिजी होने की वजह से हम पूरी प्रोडक्शन टीम हमारी रेडी है, लेकिन इनके डेट की वजह से अगले महीने 10 तारीख से हम शूटिंग कर रहे हैं। तो जल्दी अगले महीने नवंबर के 10 और 15 के बीच में हम शूट पे जा रहे हैं, मुंबई के दिल्ली के लोकेशन पे शूट कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत ढंग से खुशनुमा लोकेशन में और खुशनुमा अंदाज में इसको शूट किया जा रहा है। अब क्या कैरेक्टर है इसमें अक्षरा जी का? सब आपको ही अभी बता दूंगी तो फिल्म में करूंगी क्या? नहीं, लेकिन मेरे बताने के बाद भी बहुत कुछ बचता है। नहीं, अभी नहीं रिवील करना चाहूंगी। नहीं, जैसे महिला प्रधान फिल्म है तो आपके जी हाँ, ऑब्वियसली महिला प्रधान है तो कुछ अलग, जैसा कि मैंने बोला स्टोरी इज अ वेरी, मतलब बहुत अलग लेवल पे स्टोरी है और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से फिल्म आएंगे हम लोग तो शायद एक वेलू जी मुझे स्टोरी बता देंगे मेरे दोस्त थोड़े समय हैं ज़्यादा तो नहीं और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा जो अरेंज मैरिज के खिलाफ है, उसको लव मैरिज करना है तो उसको कैसे क्या होता है इस ताने बाने में पूरी फिल्म में। तो उस नायिका के इर्द गिर्द बहुत सारे किरदार आते हैं लाइफ में और क्या होता है कैसे होता है, तो इस तरीके की नई विचारधारा की फिल्म इस माध्यम से हम आपके बीच में लेके आने वाले हैं। बहुत जल्द इसका टाइटल आपके सामने क्लियर किया जाएगा और अक्षरा जी का बहुत ही दमदार कैरेक्टर है इस फिल्म में, बहुत बेहतरीन गाने हैं। धनंजय मिश्रा जी इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और अभी हम लोग पहला गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं पामेला जैन जी की आवाज़ में और बहुत जल्द फ्लोर पे जाएंगे। बस जैसा कि हमारे अमरीश जी ने बताया कि अक्षरा जी का डेट अरेंज हो जाए फिर हम लोग फ्लोर पे होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने फ्लोर पे होंगे और पूरी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, हमारी राइटर टीम बैठे हुए हैं, लगातार स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और हमारी म्यूज़िक टीम लगातार बेहतरीन से बेहतरीन म्यूज़िक बनाने पर लगी हुई है। और ये सही बात है कि अक्षरा जी के साथ मैंने एक पहले फिल्म की थी और हमारी लकी चाम रही हैं, हमारी लकी हीरोइन रही हैं, उस वो फिल्म भी बहुत बड़ी सुपरहिट हुई और उस फिल्म के गाने भी सब बहुत सुपरहिट रहे हैं। तो ये हमारा लक इस फिल्म में काम करे और हम यही दुआ करेंगे कि वास्तव हम लोग आएँ और धमाका करें और बेहतरीन फिल्म आप सबके सामने लेकर आएँ। ये जोड़ी जो है अमरीश सिंह और अक्षरा सिंह, ये नहीं पाए मुझे नहीं पता उन्होंने पहले फिल्म की है। हाँ, पहली बार फिल्म होगी तो ये इसके और लेकर क्या कहते हैं अक्षरा सिंह, खुद कितने एक्साइटेड हैं? ये कौन बनेगा करोड़पति का सवाल नहीं था, सवाल ये था कि नई जोड़ी है तो इसे लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हर फिल्म
अपने आप में एक नई फिल्म होती है और एक नया चैलेंज होता है एक एक्टर के लिए। मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म भी मेरे लिए उसी तरीके से प्रिय है और उतना ही अच्छा काम करना चाहती हूँ मैं। आई एम एक्साइटेड, दैट्स इट। अमरीश जी आप क्या कहते हो? आप जैसे कि अच्छा जी ने कहा बिल्कुल, नहीं मैं सरमार बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हूँ। और अक्षरा जी के साथ काफ़ी दिनों से प्लान चल रही थी कि हम फिल्म करेंगे और काफ़ी लंबे समय से जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी के साथ चर्चाएं चल रही थी, स्टोरी पे वर्कआउट चल रहा था। तो ख़ास करके ये फिल्म अक्षरा जी और अक्षरा जी के साथ में मैं इसको बेहतरीन लिखा गया और बहुत खूबसूरत ढंग से इसको पिक्चराइज किया जाएगा। अक्षरा जी जैसा कि वेलू जी ने बताया कि एक ऐसी लड़की जो कि अरेंज मैरिज में विश्वास नहीं रखती, लव मैरिज में विश्वास रखती है, आपका पर्सनल स्टेक क्या है इसके ऊपर, आपका स्टैंड क्या है? फिलहाल मैं कोई स्टैंड के लायक ही नहीं हूँ, सो मैं कुछ कह नहीं सकती इस बारे में। अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज में आई डोंट नो व्हाट इज बेटर व्हाट नॉट, क्योंकि सोचा नहीं मैंने इस बारे में। वेलू जी आपको क्यों लगा कि ये अक्षरा जी ही ये कैरेक्टर अच्छी तरह से निभा सकती हैं, एक ऐसी लड़की जो अरेंज मैरिज करना चाहती है? ऐसा नहीं है, देखिए अक्षरा जी एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री रही हैं, क्योंकि हमने काम किया है इनके साथ, तो वो कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हैं और अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करती हैं। और देखिए एक आर्टिस्ट जो होता है वो पानी की तरह होता है, जिस आकृति में उसको डाला जाए वैसा ढल जाता है, और हमारी ट्यूनिंग अक्षरा जी के साथ बहुत अच्छी रही है पहली फिल्म में ही, और बहुत हम लोगों ने कई सारे सीन जमाए हैं। जब फिल्म देखेंगे हमारी पहली फिल्म बलमा बिहार वाला, तो आपको कई सारे सीन ऐसे दिखेंगे जो यादगार हैं। तो बस मुझे लगा कि नहीं, काफ़ी समय हो गया था और अक्षरा जी पे ये कैरेक्टर मतलब एकदम फिट बैठ रहा था कि नहीं इसके साथ ये इंसाफ बहुत अच्छा से करेंगी, क्योंकि कहानी को उस हिसाब से लिखा गया। ये अक्षरा जी के गाने भी आजकल बड़े हिट हुए हैं, तो क्या इसका भी कोई गाना हम इस फिल्म में देख पाएंगे? मैं तो हमारी ख्वाहिश है कि अक्षरा जी एक नहीं कम से कम दो गाने जरूर गाएं हमारे फिल्म में। और ये पहली बार होगा जब किसी फिल्म के लिए गाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाएंगे, दिमाग का रहता है। तो कौन सी फिल्म के लिए गाया था जरा आप बता दीजिए मुझे? पवन राजा के लिए गाया था, तबादला के लिए गाया। दोनों कौन सी फिल्म है? ये अमरीश सिंह की फिल्म है, तो इसमें गाने का क्या एक्सपीरियंस है? मतलब फिल्म नहीं है ये, मेरी आपकी भी फिल्म है, दोनों की फिल्म है, वेलू शंकर जी की भी फिल्म है जी। अब ये बताइए मुझे कि अब गाने के लिए, तब आपने वहाँ गाया था, अब गाने के लिए आप एक्साइटेड कितने हो या गाओगे भी नहीं, आप बता दो मुझे। वुड यू लाइक टू सिंग ऑर नॉट? या व्हाई नॉट। ओके, आज ही आपका गाना मैंने सुना नवरात्रि वाला, सुना वो काफी धूम मचा रहा है। और कौन कौन से गाने हैं जो आने वाले हैं? अभी नवरात्रि के 3-4 गाने और आने वाले हैं, और आज शाम में भी रिलीज है एक दो गाना। आई एम सो हैप्पी कि लोग मुझे बतौर सिंगर भी पसंद कर रहे हैं और इतना सारा प्यार दे रहे हैं। आपने एक नई चीज़ शुरू कर दी, रानी चटर्जी और काजल राघवानी ने भी गाना शुरू कर दिया है, वेरी गुड, अच्छी बात। कॉम्पिटिशन बढ़ गया? कंपटीशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मुझे लगता है मेरा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है, बाकी लोग अच्छा करें, मेरे तरफ से बेस्ट विशेस है सभी लोग। ओके आई थिंक आई एम डन, ठीक है, किसी और को कुछ कहना है? गाना हां गाना तो राम राम बस की तो चलिए माता रानी आज नवरात्रि का आज पहला ही दिन है नवरात्रि का और आज गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होता है, तो चलिए गाना सुनते हैं। पहला गाना जो रिलीज़ हुआ था नहीं, सबसे पहले तो आज माँ का आगमन है, आज पहला दिन है, तो आज जो गाना रिलीज़ हुआ है वही सुनाना चाहती हूँ। आप अलग से वीडियो चलाएंगे क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज YouTube चैनल पे जाएगा क्या? चलिए चलिए, हाँ। तो आज पहला दिन है और आपका गाना रिलीज हुआ है। गा के कोयला रे अरे पा चरवा के गीती आसू नवतारी हो, लागे रुनु की जुनू की माया बतारी हो, लागे रुनु की जुनू की माया बतारी हो। बेहतरीन, बहुत ही थैंक यू सो मच। चलिए आप सभी को नवरात्रि की बेहतर तरीके से बन के आप सबके बीच बहुत जल्द से जल्द आ जाए,
हमारी आपको भी हम थैंक यू सो मच। जय माता जी, हर हर महादेव। थैंक यू, मुझे भी थैंक यू। थैंक यू अक्षरा जी, थैंक यू सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता, जय माता दी। थैंक यू। नमस्कार, हम हैं अमरीश सिंह। तो हम आप लोगों को बता दें कि जल्द ही आपके बीच में जो फिल्म आने वाली है, तो इसका जो रखा गया इस नवरात्रि के पहले दिन पे, तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं माता रानी का अच्छा भक्त, यानी सभी अच्छे भक्त होते हैं, लेकिन आज एक शुभ दिन पे जो एक शुभ कार्य हो रहा है, मुझे ऐसा आई होप ऐसा लग रहा है कि बहुत ही खूबसूरत ढंग से फिल्म बनेगी और खूबसूरत फिल्म की तैयारी हुई है, जिसमें मैं और अक्षरा जी हैं और इत्यादि इस इंडस्ट्री के काफ़ी लोग हैं। और अगले महीने 10 तारीख के इर्द गिर्द शूटिंग होगी आपके मुंबई के आसपास लोकेशन, खास करके जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं गुप्ता जी, जो गुप्ता फिल्म एंड स्टूडियो, उनका खुद का स्टूडियो है पनवेल में बहुत बड़ा, तो वहाँ पे हम शूटिंग करेंगे और शुरुआत करेंगे जी। क्या किरदार है इसमें? किरदार मैं अमरीश सिंह, अक्षरा जी, हम दोनों इसमें खूबसूरत ढंग से प्ले कर रहे हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द, आमने सामने अपोजिशन में, तो एज ए लीड ही रोल है और बहुत ही तुम्बे का कहानी, एक हार्ड लव स्टोरी है और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है। आप और अक्षरा जी जो पहली बार आ रहे हैं, तो क्या धमाल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम दोनों खूब धमाल करेंगे और मुझे विश्वास है कि अक्षरा जी के साथ और लोग मुझे भी खूब पसंद करेंगे, और मैं चाह भी रहा था कि अक्षरा जी के साथ मैं फिल्में करूं और बहुत ही खूबसूरत ढंग से फिल्म भी पिक्चराइज होगी, जहां तक मैं स्टोरी सुना हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म होगी और लोगों को पसंद आएगी ये जोड़ी। जी हाँ, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विष्णु शंकर बेलू, मैं उनके साथ सेकेंड फिल्म कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने हर हर महादेव एक फिल्म की थी, जिसमें रवि जी इत्यादि बहुत सारे इस इंडस्ट्री के लोग थे, ये सेकेंड फिल्म है, तो डायरेक्टर नो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा पिक्चराइज करते हैं। प्रोड्यूसर जो है पहली बार कई हिंदी फिल्में बना चुके हैं, खिलौना, अग्नि साक्षी, कई हिंदी फिल्में को प्रोड्यूसर हैं जो कि इस फिल्म पहली बार भोजपुरी में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से मुझे ऐसा लग रहा पूरी कंप्लीट टीम मिली हुई है जी। फिल्म का नाम नहीं रखा गया, प्रोड्यूसर नंबर वन के नाम से किया गया। एक्चुअली टाइटल दो तीन है जिसपे काफ़ी गिनन चिंता, यानी काफ़ी जोर शोर से उस पर चिंता हो रही है, जिस पे डिस्कशन हो रहा, इसके वजह से कुछ फाइनल नहीं किया गया, और नवरात्रि का पहला दिन था, इसके वजह से कहा गया कि अनटाइटल प्रोडक्शन नंबर वन पे ही किया जाए। टाइटल आप लोगों के बीच में जल्दी ही आ जाएगा एज ए आप लोगों के द्वारा जी। थैंक यू, नमस्कार। नहीं, बहुत अच्छा आपका सवाल है कि काफ़ी दुखजनक की बात थी कि लोग और भी भाषाओं में भोजपुरी का नाम सुन के बड़ा थोड़ा सा घृणा या थोड़ा सा गिल्टी फील करते थे। हम भी कई जगह फॉरेन या कई शहरों में गए तो लोग बोलते थे भोजपुरी, भोजपुरी का भोजपुरी, व्हाट इज दिस भोजपुरी, भोजपुरी, हाँ हाँ उनको ऐसा लगता है भोजपुरी बहुत, लेकिन अब गए कुछ सालों से काफ़ी अच्छे डायरेक्टर आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, काफ़ी अच्छे एक्टर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे राइटर आ रहे हैं जो कि अच्छी स्टोरियां और अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। थोड़ी फिल्में कम बनना शुरू हुई है, इसका लगता है कि अब बहुत ज़्यादा अहमियत हो चुकी है भोजपुरी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल्में बन रही थी तो लोग कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लोग सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लोग मेकिंग और टेकिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन बहुत बिल्कुल सही आपका सवाल है सर कि आजकल की जो फिल्में बन रही काफ़ी अच्छी बन रही हैं और लोग पसंद कर रहे हैं, अदर लैंग्वेज के लोग भी देख रहे हैं फिल्में, अब साउथ में भी फिल्में लगना शुरू हो चुकी है, मतलब इससे हमें अनुभव लग रहा है कि हम ग्राफ, हमारा ग्राफ ऊँचाइयों पर बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट में रहे,
क्या नहीं, जैसे कि हाँ नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अभी आने वाले समय में भोजपुरी का ग्राफ शहरों में ये छोटी मल्टीप्लेक्स खुलेंगी, उससे हमारे घर की फैमिली जाके देखेगी। अच्छा, उस मल्टीप्लेक्स में खूबी, मैं एक दिन बैठा था रवि जी के साथ में गणपति के समय, तो उन्होंने बहुत अच्छा ये सिस्टम बताया, जो आजकल योको आरओ ये वो सब, वो सारी चीज़ों से, झंझटों से प्रोड्यूसर थोड़ा सा बचेगा। उस मल्टीप्लेक्स में जिस दिन फिल्में लगेंगी तो हमारी थोक भाव में बिकना शुरू हो जाएगी। एक हमारा रेट लगेगा, इस फिल्म का ये है, ये है, ये है, तो बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में लोग सिस्टम से आ रहे हैं, लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं जी, और अच्छा होगा। भोजपुरी का जय होगा और हमेशा जय रहा है। जय हो भोजपुरिया परिवार की। और मैं अमरीश सिंह आप लोगों के बीच में जल्द एक नई फिल्म लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग प्यार और आशीर्वाद जरूर बनाए रखें। जी, क्योंकि आज आपके एक नई फिल्म पे मुहूर्त हुआ है और दूसरी बार आपके डायरेक्शन काम करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा संयोग है। आज का दिन नवरात्रि का पहला दिन और मेरी फिल्म का मुहूर्त, गुप्ता फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से ये बन रही है फिल्म, और इसका टाइटल बहुत जल्द आपके सामने रिवील किया जाएगा। तो गुप्ता प्रोडक्शन की ये पहली फिल्म है, प्रोडक्शन नंबर वन, और एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य, एक संयोग जुटा है हमारे साथ अक्षरा जी के साथ काम करने का। इससे पहले हमने एक फिल्म की थी ए बलमा बिहार वाला, जहाँ उसमें खेसारी जी थे और अक्षरा जी की जोड़ी बहुत सुपरहिट रही और उसके गाने भी बहुत ही कमाल के हिट हुए, लगा के मच्छरदानी और लालटेन। तो अक्षरा जी हमारे लिए लकी चाम हैं और ये फिर से एक बार संयोग बना है कि हम फिर एक बार साथ साथ काम कर रहे हैं, बतौर डायरेक्टर और वो बतौर एक्ट्रेस हमारी इस अगली फिल्म में काम करेंगी। तो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाने की कोशिश है। जैसा कि हर बार मेरा सब्जेक्ट कुछ डिफरेंट होता है, तो इस बार भी थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका प्यार आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा। फिल्म की कहा उसकी बात की जाए, फिल्म का टाइटल भी नहीं रखा गया है, बहुत जल्द टाइटल तो बहुत जल्द रिवील करूँगा। जहाँ तक बात है कहानी की, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर करूँगा कि कहूँगा कि एक लड़की की कहानी है जो कि अरेंज मैरिज के खिलाफ है। उसे लगता है कि उसका जो विचार है वो सही है, उसे ये लगता है कि घर वाले जो पसंद करके लड़का लाए हैं उससे कैसे शादी की जा सकती है, और मैं जिसे जानती नहीं पहचानती नहीं उसके साथ पूरे जीवन बिताने का निर्णय कैसे ले सकते हैं। इसके बाद कहानी में क्या क्या घटनाएं आती है और फिल्म के अंत में क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा मतलब एक ताना बाना बुना है मैंने। तो पूरी फिल्म आएगी तो देख के आपको मज़ा आएगा। बहुत जल्द टाइटल रिवील करूँगा मैं, और एक बेहतरीन फिल्म है, एक अच्छा एक प्रयास है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। जी, इस फिल्म में लगभग 8 से 9 गाने होंगे और एक से बढ़कर एक सब बेहतरीन गाने हैं, जिसका म्यूज़िक हमारे धनंजय मिश्रा जी कर रहे हैं। बहुत ही गुणी संगीतकार हैं, बहुत सारी फिल्में आज से नहीं ज़माने से मनोज तिवारी जी के साथ और भी हमारे जनरेशन के जितने हीरो आए उनके साथ उन्होंने अपना संगीत दिया है, और धनंजय मिश्रा किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया है हमारे संगीत पक्ष पे, लिरिक्स राइटर वो बड़े अच्छे अच्छे चुन चुन के उनसे मेहनत करा के गाने तैयार करवा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म का गाना बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। आज पहला दिन है मुहूर्त का और हमारी गायिका पामेला जैन जी की आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। शूटिंग कहाँ? जी हाँ, शूटिंग का जहाँ तक सवाल है तो हम मुंबई के आसपास ही शूटिंग करने वाले हैं। पनवेल में हमारे प्रोडक्शन हाउस की एक प्रॉपर्टी है, स्टूडियो के रूप में उसे डेवलप कर रहे हैं, गुप्ता स्टूडियो पनवेल में, और वहीं पर हम ये पूरी फिल्म शूट करने वाले हैं। थैंक यू, शुक्रिया। अरे हम बात करें सबसे पहले फिल्म का जो मुहूर्त हुआ है, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और इस वक्त देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी मैम, बात करें जो है विष्णु शंकर गुरु जी के साथ, एक बार फिर आप स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, एक और नया धमाका करने वाले हैं, एक बार फिर आप मेन लीड में आ रही हैं और कह सकते हैं कि हीरो आप ही हैं। बतौर नायिका ये बहुत बड़ा प्रेशर है एंड चैलेंज है, एक नई फिल्म को निभाना, विमेन ओरिएंटेड एक
छोटी मोटी फिल्म नहीं होती है, पूरा भार आप पे होता है एंड बहुत ही चैलेंजिंग रोल है। आई एम सो हैप्पी कि एक अलग सब्जेक्ट लेके विष्णु शंकर जी आए और उन्होंने चाहा कि मैं उस फिल्म की एक्ट्रेस बन के वो काम करूं। सो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी तरीके से बने और अपना बेस्ट करने की कोशिश है। जिस तरह बलमा बिहार वाले में धमाल था, आपके नाम का डंका बजा था, इस फिल्म से भी उससे डबल धमाल मचने वाला है। इनके साथ पहली फिल्म वो उनकी पहली फिल्म थी मेरे साथ जो कि बलमा बिहार वाला थी एंड बहुत ही अच्छा रिस्पांस था उस फिल्म का और उसके गाने बहुत हिट हुए थे जो कि मैं कई स्टेज पे उसके गाने में परफॉर्म करती थी। सो उसी तरीके से चाहती हूँ ये फिल्म भी दर्शकों को पसंद आए और उतनी ही मेहनत और उतनी ही शिद्दत के साथ हम लोग काम करेंगे। किरदार का खुलासा करना चाहिए? हाँ जी, किरदार के बारे में बताना। किरदार खुलासा नहीं करूँगी, बहुत ही चैलेंजिंग रोल है बिकॉज विमेन आर इन, सो ये एक बात है। एंड सेकंड थिंग इज दिस कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे थोड़ा बहुत बेस्ड है, सो दैट्स इट, इससे ज़्यादा रिवील करना उचित नहीं। फिल्म के हीरो अमरीश सिंह जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सितारे हैं, कई फिल्में आ चुकी हैं अभी उनकी। जी उनके बारे तो मैं जानती नहीं हूँ बट मेरी बेस्ट विशेज हैं और बहुत अच्छा काम करें। आपके गायकी के चर्चे हैं और अभी माता रानी का एल्बम आया है जो आपके गाने आते ही एक धमाल मच जाता है, और तो फिल्मों में भी आप पहले भी गा चुके हैं, तो ये जो फिल्म है इसके आज गाना रिकॉर्डिंग से शुरुआत हुई है, इसमें भी आपकी आवाज़ सुनूंगी? अभी फ़िलहाल तो नहीं बट हाँ ज़रूर गाऊँगी, कोशिश है। अभी रिसेंटली आपको जो गाना धमाल मचा रहा उसके बारे में बताना चाहेंगे? रिसेंटली नवरात्रि का गाना आया है और सबसे पहला गाना मैंने गाया था बेटी बचाओ पे, जो कि एक लाइन गुनगुना के सुनाना चाहती हूँ, जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा महिलाओं ने उस गाने को पसंद किया बिकॉज आए दिन कभी रेप केस तो कभी लड़कियों का अपहरण, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है लड़कियों को। सो उसके ख़िलाफ़ मैंने सोचा कि मैं भी एक मैसेज समाज में दे पाऊँ। सो ना निर्भया बनी अब कौनो बेटी, हम निश्चर के काट देब बोटी बोटी। ना निर्भया बनी अब कौनो बेटी, हम निश्चर के काट देब बोटी बोटी। माई हो आदेश एक बार दे दा, माई हो आदेश एक बार दे दा, बेटी के जान बचावे के खातिर हमरा के अपन तलवार दे दा। ए माई हमरा के अपन तलवार दे दा। बहुत अच्छा रहा कि यह समाज में मैसेज दिया था। ये तो है, इस गाने का बहुत अच्छा रिस्पांस था एंड देन उसके बाद भी और भी कई सारे गाने आ रहे हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बस इतना ही कहूँगी कि एक एक्टर को लोगों ने सिंगर बना दिया, ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए एंड इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ और आजीवन रहूँगी। मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छी बात है अपनी इंडस्ट्री के लिए बिकॉज महिला प्रधान भी फिल्में बननी चाहिए और हमारी जैसी कई एक्ट्रेसेस हैं सबों को काम मिलना चाहिए ताकि समाज में एक नया मैसेज जा सके। कौन सा बच्चे के साथ
वो बच्चा मेरा ही है। हर दिन पोस्ट करती रहती हूँ। आप लोगों से ज़्यादा कौन जानेगा, आप जितने मीडिया वाले हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों का भी जितना मेरे पेरेंट्स, जितना दर्शकों का सपोर्ट मिलता है, मुझे लगता है उसका कई गुना ज़्यादा आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो। उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का। आउटडोर भी है और मुंबई में भी है। अभी फ़िलहाल तो अगली फिल्म मेरी आने वाली है, मजनुआ करने वाली हूँ इस महीने, सो उन सब चीज़ों पे काम लगा हुआ है। तो बच्चे की इन्होंने बात छेड़ी है। हाँ, वो बच्चे का राज खुल के बताइए। वो खुल के बता रही हूँ, वो बच्चा मेरा ही है, वो बच्चा मेरा ही है। राज क्या है, मेरा है, कैसे मेरा? अभी क्या बोलूँगी, हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आप लोगों को चाहिए होता है, कुछ ना कुछ बना ही देते हो, तो क्या बोलूँ मैं। वो एक्चुअली मेरी कज़न है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उनका छोटा सा बेबी हुआ है 2-3 दिन पहले, तो दैट्स इट। मैं मासी बन गई तो इसलिए उसकी खुशी जाहिर कर रही थी मैं इंस्टाग्राम पे। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों की नज़र उस वक्त मेरे ऊपर थी। इस फिल्म में बतौर नायिका हूँ और रोल क्या, एक छोटी मोटी गांव की लड़की है और पूरी कहानी है। आई थिंक कि डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर। जी हाँ, नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है तो माता रानी भक्तों को किस तरह से माता रानी के भक्तों को मैं दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सभी दर्शकों को। और मैं चाहती हूँ कि माता रानी हम सबों पे, आप लोगों पे, सभी लोगों पे खूब सारा आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें और सबके जीवन में खूब सारी खुशहाली बनाए रखें। तो जो माता रानी का जो आधी गाना आया हो, दो लाइन तो सुनाओ, वही काट लेना। आज ही रिलीज़ हुआ है जो कि रुनुकी झुनुकी माई आवतारी को। इसके अलावा एक गाना गाया है मैंने, अपने नज़र से गिराना ना, तो दोनों ही गाने का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आज माँ का आगमन है तो मैं एक लाइन गुनगुनाती हूँ। गा के कोयल रे अरे पाचरवा के गीतिया सो नवतारी हो, गा के कोयल रे अरे पाचरवा के गीतिया सो नवतारी हो, लागे रुनकी जुनो की माया बतारी हो। Thank you so much. अंग्रेजी
नीचे रुकिया सारा फोटो मिल जाएगा फोटो में है बेलू जी फोटो में बेलू जी तक ही है संजय जी नहीं है बहुत बोला इसमें ही बोला सब में बोला मैम हाल ही में जैसा आप देख रहे हैं मी टू मूवमेंट का चरण हुआ है इंडिया में तनुश्री दत्ता जी और जो नाना पाटेकर का कॉन्ट्रोवर्सी के कारण हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा सही है या गलत है ये सोशल जो चीज़ है फिल्म इंडस्ट्री में खासकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें क्योंकि आप फ्री फिल्म इंडस्ट्री हिस्सा है तो क्या समझते सही है गलत है आप कितना सपोर्ट करती हैं मूवमेंट मैं फिलहाल तो भोजपुरी में हूँ और proud that I belong to this industry and jis din Bollywood mein jaungi us din kisi pe main ungli utha paungi ya main kisi ke bare judge karu ya kisi ke bare kuch kahun bina jaane pe I think ki mujhe kisi ke bare bhi nahi bolna chahiye so that's it nahi wo to sahi hai ki bina jaane kisi ke bare nahi bolna chahiye aapko lagta hai ki koi sanstha honi chahiye ya ek group honi chahiye jo support karna chahiye kyunki kaafi sari stories aati hai exploitation ki khaskar women ki baat karu वैसे तो मेन भी exploited होते हैं लेकिन बिल्कुल ऐसा होता है मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों पे रोक लगना चाहिए एंड पुरुष प्रधान समाज जो बना हुआ है वो वर्षों से चला आ रहा है मुझे ऐसा लगता है कि औरतों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे वो आम जीवन हो सो यही अपील करूंगी मैं सभी लोगों से ये भी कहा जाता है कि सिर्फ नाम के चलते अपन से 10 साल के बाद ये बात बोल रही हैं 10 साल पहले हुआ था ये इंसिडेंट तो क्या कहना चाहेंगे कि ये चीज़ कहाँ आई सीरियसली डोंट नो अबाउट इट तो मैं नहीं जज कर पाऊंगी आई एम सॉरी सो सॉरी क्योंकि उन पे क्या बीती है या क्या हुआ है वो मैं तो नहीं जानती हूँ तो मैं कैसे किसी पर उंगली उठा दूँ तो सॉरी अमरीश जी जी रेडी हम समझ रहे चंगले पे खड़ा है मैम मैम रुके
चलिए ऑर्डर सर। सर क्या कहना चाहेंगे जिस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, पहले भी आपने फिल्म का निर्माण किया है, किस तरह? हाँ, हिंदी पिक्चर पहले बनाया है, अभी तो भोजपुरी बना रहे हैं, थोड़ा खुशी थी और भोजपुरी बना रहे हैं ज़्यादा से इनके साथ मिलके। तो अप्रिशिएट करने का है, बहुत ही मतलब फिल्मों में काम किया। हमारे गांव वाले हैं। अच्छा, हमारे गांव वाले हैं और पहचान है, बहुत अच्छे हैं, हमारे लड़के जैसे हैं और हमको पसंद आए, बहुत पसंद है, सर बहुत फिल्म बने हुए। क्या कहना चाहेंगे? मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गुप्ता पिक्चर्स एंड स्टूडियो के मालिक और कर्ता धर्ता गुप्ता प्रोडक्शन स्टूडियो, गुप्ता प्रोडक्शन एंड स्टूडियो के जो मालिक हमारे आर के गुप्ता जी हैं, हाँ, और इनके बारे में जितना कहूँ कम है, क्योंकि जब हमारी इनकी मुलाकात हुई तो हमें ये समझ में आया कि ये टोटली फिल्मी हैं और उस दौर से चले आ रहे हैं जब हम लोग फिल्मों से हमारा कोई संबंध और नाता नहीं था। इन्होंने खिलौना जैसे बहुत सारी फिल्में इन्होंने प्रोड्यूस की उस ज़माने में, तो पहली बार ये भोजपुरी में आ रहे हैं। जब इनसे बातें हुई तो इनको अपनी मिट्टी से इतना प्यार था कि इनको दिल में था कि हम भोजपुरी करें, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जो कि एक यादगार पल रहे और करते ही रहे। तो इन्होंने सबसे पहले काम किया, इनका 150 एकड़ में स्टूडियो पनवेल में खुद का है, जो कि वहाँ खुद की स्टूडियो में ही खुद की अपनी फिल्में शूटिंग करेंगे। इन्होंने साल की 2 फिल्में बनाने का प्रण किया है और पूरा कारभार एज ए फैमिलियर मुझे सौंपा है, तो मैंने भी एक अच्छी टीम गुद के दी है, बना के दी है, तो एक अच्छी फिल्म, बेहतर फिल्म बनाएंगे और समाज को एक यादगार पल और यादगार फिल्में दोनों दिलाएंगे। और सर क्या कहना चाहेंगे कि आगे क्या मतलब बनाएंगे? आगे अभी तो हो जाए, उसके बाद सोच के बनाएंगे। पूरी फिल्म की शूटिंग आपके स्टूडियो में होगी? हमारे से बाहर जहाँ जरूरत पड़ेगा बाहर करेंगे, लेकिन ज़्यादा हमारे स्टूडियो में काफ़ी अच्छा स्टूडियो है। हाँ। जो ढंग से वहाँ पिक्चराइज किया जा सकती है पूरी फिल्म, अगर रिकॉर्डिंग बाय स्टोरी जरूरत है बाहर की भी तो वो भी करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि सुविधाजनक है और मुंबई से लगा हुआ है, तो कोशिश ये होगी और लोगों के लिए खास करके भोजपुरी वासियों के लिए काफ़ी इन्होंने रखा है, हमसे वादा किया है कि आप कई फिल्मों की शूटिंग भी करा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं और अच्छे से कर सकते हैं। और विचार है बाद में देखेंगे तो सीरियल वगैरह का, अभी तो नहीं, और सर बनाने का सुविधा है, घर है, बंगला है, तो ए सी रूम है, सब कुछ है, सब ठीक है। जी मैं दिनेश सिंह बागड़ी और बेलू भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, वो तब से मेरे मित्र हैं जब वो एक एक्टर हुआ करते थे और हम लोगों ने कुछ फिल्में साथ में काम भी किया है, और आज जब उनको डायरेक्शन करते हुए देखता हूं तो दिल को बेहद खुशी होती है। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूं कि वो जितने बेहतरीन डायरेक्टर हैं उतने ही उम्दा एक्टर भी हैं। अभी फ़िलहाल एक फिल्म हम लोग साथ में कर रहे हैं जिसमें बेलू भाई एज ए विलेन काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत खासकर मेरे साथ उनके संबंध बहुत ही नेचुरल हैं, इमोशनल हैं, और बहुत खुशी हुई आज आप जैसे महापुरुष आज ही गुप्ता जी 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 गुप्ता जी से आज ही मुलाकात हुई, इनके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई, और खुशी तो आपसे भी हुई भाई साहब, और सब लोग बहुत अच्छे लगे मुझे और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और अगर संयोग बना तो शायद आप लोगों के इस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा एक हिस्सा भी बन सकूँ, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी आप लोग हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, और अभी मैं संजीव कुमार और पता नहीं क्या क्या सुना तो आशीर्वाद भी लेना चाहूँगा आपसे। थैंक यू। मिथिलेश अविनाश जी हैं डायरेक्टर। अच्छा जी, नमस्कार, मैं डायरेक्टर मिथिलेश अविनाश। आज बड़ा ही पावन अवसर है, एक तो माता रानी का आगमन है और दूसरा मेरे छोटे भाई अमरीश का फिल्म का मुहूर्त है,
हमारे फिल्म प्रोड्यूसर श्री गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनको ढेर सारी बधाई नए प्रोजेक्ट के लिए। बड़ी अच्छी फिल्म बनेगी क्योंकि बेलू एक निहायत बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर एक्टर है और कई फिल्मों का निर्देशन कर चुका है, है ना। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको, पूरी टीम को नमस्कार। जैसे कि गुप्ता सर की बात की जाए, भोजपुरी फिल्म पहली बार बनाने जा रहे हैं, इनका स्टूडियो भी पनवेल में है जिसमें तीन टीम होगी, तो क्या शुभकामना देना चाहेंगे पूरी टीम? दशहरे का अवसर पे गुप्ता जी हमारे चाचा के समान हैं, हमारे यहाँ आए भी हैं, हाँ मुलाकात हुई अभी माध्यम रहे, तो बहुत अच्छा शुरुआत रहा है अपना, अमरीश अपना छोटा भाई के समान है। दशहरे के शुभ अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ कि फिल्म एकदम बढ़िया ताप ताप पे चले, हाँ और भोजपुरी जगत में नाम रहे। हमारे चाचा जी हमारे पिता के समान है और अमरीश भाई छोटा भाई है, सब लोग आए हम लोग स्टूडियो में रहे देखे ताकि सब बढ़िया इनकी ऊपर सुपर फिल्म बने, डुपर हुए बढ़िया हो जाओ, ये मेरी शुभकामना है। दशहरा के ऊपर अच्छी लगे, अच्छी दोस्ती चले इन लोगों की, लोग ढेर सारी शुभकामनाएं।